Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kritiksha and welcome back to my channel. So, आज हम chapter 1 के जाए nutrition in plants class 7th का MCQ based question. तो चलिए शुरू करते हैं. First question है, which of the following is a nutrient? Means, इनमें से कौन से nutrients है? तो मेरे लिखा है protein, fat, vitamin. मतलब ये all of these है protein, fat, vitamin सारे. नेक्स्ट है, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज एज. जो ह्यूमन्स हैं हम वो किस में आते हैं? हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स किस में? सो हम आते हैं हेटरोट्रॉफ्स में. अब नेक्स्ट है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज. जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अगला है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री. प्लांट का कौन सा पार्ट उसका हम उसको फूड फैक्ट्री कहते हैं? तो हम लीव्स को कहते हैं क्योंकि वो ही उनका खाना बनाती हैं. अगला है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकॉर्ड. मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स पे जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं बाहर अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टोमेटा. What is the unlimited source of energy for all living organisms? Unlimited source of energy मतलब जो पूरी अल्टीमेट जिससे हमें हर वक्त एनर्जी मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो है हमारी सोलर एनर्जी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देती है. अगला है, ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड. जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. मतलब फोटोसिंथेसिस जब चलता है उस टाइम जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम इनहेल करते हैं ब्रीथ के लिए. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सेम ही क्वेश्चन है पर इसका आंसर अलग है. फोटोसिंथेसिस में और क्या होता है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मींस जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, जो रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सा है? CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड. अगला है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, जो आखिरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो जो हमें मतलब जो मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस वो है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो हमारे सांस के लिए यूज होता है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे प्रोटीन न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में मिलते हैं. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट. पैरासाइट आपको पता ही होगा जो एक दूसरे एक प्लांट चढ़ के करते हैं, जो उनका होस्ट है जिनसे वो न्यूट्रिशन सब लेते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है कसकटा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेप्रोट्रॉप्स. मतलब कौन सी एक क्लास, मतलब कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉप्स से बिलोंग करता है. मतलब सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल मान लो एक वो है फंगी. हम लोग अलग अलग बोलते हैं फंगी, फंजा, कुछ भी बोल सकते हैं हम. अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश एनर्जी स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. हम कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं लीव्स के लिए? क्लोरोफिल, तो वो है सोलर एनर्जी. डैश ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. कौन सी न्यूट्रिशन है जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स अपना खाना बना के बनाते हैं? फंगी, जो कि एग्जांपल है सेफ्रोट्रॉफ का. तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं. नेक्स्ट है, प्लांट्स लाइक कसकटा टेक फूड फ्रॉम डैश प्लांट. जो प्लांट जैसे होते हैं कसकटा, ये फूड कहाँ से लेते हैं? फूड लेते हैं अपने होस्ट से जिस पे ये लिव कर जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज, हमने पहले भी सेकेंड क्वेश्चन के अंदर शुरू में हम जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं. अगला है, डैश इज प्रोड्यूस एंड डैश इज यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हम कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और कौन सी लेते हैं? सो ऑक्सीजन हम रिलीज करते हैं जो हम सांस लेते हैं, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस अपना प्रोसेस करने के लिए. नेक्स्ट है, डैश इज द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन लीव्स. कौन सी रिसेप्शन होती है लाइट एनर्जी की लीव्स में? वो है क्लोरोफिल. अब है, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. अब ये आ गए ट्रू एंड फॉल्स. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ, बहुत ज़रूरी है फूड हम सब लोगों के लिए. अगर फूड नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे.
नेक्स्ट है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो लीव्स हाँ वही फूड फैक्ट्रीज, क्योंकि वही सारा खाना बनाती है, वही मदद करती है, तो इसका आंसर है ट्रू। वाटर कम्स इनटू लीव्स थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, नहीं जो वाटर है वो रूट से आता है, एक स्टेम से होते हुए लीव्स के पास, वो हमें स्टोमेटा से नहीं मिलता है, और वेपर की फॉर्म है तो बिल्कुल नहीं मिलता। नेक्स्ट है प्लांट्स यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है जो प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिले होते हैं जो एब्जॉर्ब रूट्स होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में, सो फॉल्स है, ये नहीं होते। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो हमें एनर्जी देते सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ये भी ट्रू है। एल्गे और सेफ्रोट्रॉफ, एल्गे एक सेफ्रोट्रॉफ नहीं है, वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो जंक कुछ कह लो जो हमें मिलता है। कस्कटा इज अ पैरासाइट, हाँ कस्कटा एक पैरासाइट है, सो इसका आंसर है ट्रू। सेफ्रोट्रॉफ टेक देयर फूड इन सोल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सेफ्रोट्रॉफ से जो अपना खाना है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, हाँ जो मरे हुए चीज़ होती है उन्हीं से सेफ्रोट्रॉफ अपना खाना लेते हैं, जैसे फंगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आधे हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो हाँ प्लांट्स टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू स्टोमेटा यूटिलाइज एज अ न्यूट्रिएंट, जो प्लांट्स होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं स्टोमेटा से यूटिलाइज एक न्यूट्रिएंट करते, तो इसका आंसर है फॉल्स, बिल्कुल नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ साइम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा पेयर है साइम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का, तो वो है लेकन्स, ये भी एग्जाम्पल है साइम्बायोटिक का, राइजोबियम में लिख गई, ये तीनों एग्जाम्पल है, ये एक ही पेयर के। Which of the following is an insectivorous plant? एक example बताओ या एक insectivorous plant बताओ, तो वो है pitcher plant। अब आगे हमारा match the following। Autotrophs का होता है algae, क्योंकि algae एक autotroph का example है। Heterotrophs का example हो गया main parasite का example हो गया cascata। Saprotroph का example हो गया fungi, symbiotic का example हो गया like an insectivorous का हो गया pitcher plant। So ये थे हमारे कुछ छोटे से MCQ, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प कर सकते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगली क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी। सो बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।